21 अगस्त 2014, ये बहुत ही खूबसूरत दिन है मेरे लिए। उस दिन मेरी बेटी की पैदाइश हुई, लेकिन ये ख़बर जो ही हमको मिली कि मेरी बेटी की पैदाइश हुई है, ये मेरे लिए खुशी तो थी, लेकिन उससे ज़्यादा कंसर्न था कि वो वक्त से बहुत पहले पैदा हो गई थी। वो 6.5 महीने में पैदा हो गई थी और हमें डॉक्टर ने बताया कि इसको एपनिया है, यानी कि इस बच्ची को बहुत प्रीटर्म होने की वजह से ये सांस लेना भूल जाती है, इसको ऑक्सीजन थेरेपी में रखना पड़ेगा। और फिर जो है बहुत लंबे टाइम तक उसको ऑक्सीजन थेरेपी में रखा गया, और तकरीबन मुझे याद है कि हम लोग जो है NICU में 52 डेज वी लिव्ड इन NICU, और जिसके वजह से जो है उसको जो रेटिना जो है उसका डिटैच हो गया ऑक्सीजन थेरेपी की वजह से। कुछ शॉर्टकमिंग्स भी रही होंगी हॉस्पिटल के पार्ट से, लेकिन वो रेटिना डिटैचमेंट हो गया। और फिर हमें इसका पता जो है तब चला जब वो ROP स्टेज 5 तक पहुंच गई, यानी कि अब कोई दूसरा रास्ता नहीं था कि उसको जो है रोशनी मिले, उनकी आंखों में रोशनी आ पाए। तो एक इतनी खूबसूरत खबर, इतना ज़बरदस्त न्यूज़ के घर में बेटी पैदा हुई है। इट वॉज नाउ दिस न्यूज़ इज जस्ट नाउ लाइक डिवास्टेड आवर लाइफ। हम लोग जो है परेशान हो गए कि व्हाट नेक्स्ट। अब कोई भी हमारे ख़ानदान में, हमारी फैमिली में दूर दूर तक कोई भी ब्लाइंड नहीं था, और जब हमें पता चला कि दिल्ली में ऐसे बच्चों के लिए पढ़ाई होती है, तो फिर हम लोग जो है दिल्ली गए। सक्षम क्लासेस नोएडा में हमने अलीज़ा को एडमिशन कराया, और तमाम अपने कारोबार को छोड़ के मैं, मेरी मिसेज, हम लोग दोनों अपने बच्चे को लेके गए, और 1 महीना तक जो है हमने अलीज़ा की ट्रेनिंग की, और अलीज़ा जो है बहुत कुछ सीखने लगी। अब जो चैलेंज था वो ये कि अलीज़ा को कैसे कंटिन्यू कराया जाए, क्योंकि दिल्ली में हम लोग रह नहीं सकते थे। तो फिर क्या हुआ कि हम लोगों ने सक्षम से ऑनलाइन क्लासेस जो है हमने शुरू की, और ऑनलाइन क्लासेस शुरू करके जो है हम लोग वो सब कुछ जानने की कोशिश की जो हमको अलीज़ा को बताना था। तो मेरी मिसेज और मैं, हम लोग दोनों अलीज़ा को ट्रेन करने के लिए हम लोगों ने पूरा सीखा, और 2 साल तक अलीज़ा भी ऑनलाइन क्लास में रही और हम लोग भी सीख करके इस मुकाम पे आए हैं कि अलीज़ा को आज हम लोग इतना ट्रेन कर पाए हैं कि अलीज़ा अपना बुनियादी ज़रूरतों के अलावा जो है क्लास में अपने नोट्स बनाती है, कंप्यूटर चलाती है, कंप्यूटर में सारे डॉक्यूमेंट्स बनाती है, सेव करती है, उसको ओपन करती है, यानी कि बच्चे जिस तरह से कॉपी में लिखते हैं, अलग अलग बच्चों के नोटबुक्स हैं, अलीज़ा के अलग अलग फाइल्स हैं, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स हैं, उसको सेव करती है, बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह अब वो पढ़ पा रही है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में जब हम लोगों ने इंटरनेट में सर्च किया, लोगों के बारे में जानना चाहा, तो किशनगंज और बिहार के बारे में जो जितने लोगों के बारे में हम जान रहे हैं, आज हमें बहुत अफसोस हो रहा है कि हम अपनी बेटी के लिए तो मैं अफोर्ड कर सकता था, मैंने कर दिया, लेकिन बेशुमार बच्चे हैं जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि किशनगंज की आबादी सिर्फ और सिर्फ 17 लाख है, और पूरे बिहार में डिसेबल लोगों की आबादी 2.3 मिलियन है, यानी तकरीबन 23 लाख, यानी कि किशनगंज, पूरे किशनगंज की आबादी से ज़्यादा, इससे बड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है, चाहे तो वो अंधा है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, सुन नहीं सकता है, इतनी बड़ी आबादी है पूरे बिहार में, 10% पूरे नेशन का जो 10% जो विकलांगता है या डिसेबिलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ बिहार में है। लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ऐसे बच्चों के लिए, पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा जो पैथेटिक कंडीशन है ऐसे बच्चों की, चाहे उसका एजुकेशन हो या ज़िंदगी के दूसरे मसाइल में उनको हेल्प करने की बात हो, बिहार सबसे पीछे है। इस सिचुएशन को, जाहिर सी बात है, अगर हम ये उम्मीद करते हैं कि दिल्ली के लोग आकर के सुधारेंगे, मुंबई के लोग आकर के सुधारेंगे, तो ये मेरे ख्याल से ओवर एक्सपेक्टेशन है। हम बिहार के लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा, और हमको अपने बच्चों के लिए, ऐसे बच्चों के लिए जो देख नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, जिसका दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है,
उनके लिए हमें एम्पैथी दिखानी पड़ेगी, सिंपैथी नहीं, एम्पैथी दिखानी पड़ेगी कि कैसे उन बच्चों को भी एक डिग्निटी के साथ हम जीने का हक देते हैं। आज के दिन में टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो गई है, इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए से हम उन बच्चों को बहुत जल्दी मेन स्ट्रीम एजुकेशन से जोड़ सकते हैं। अब सोचिए कि अलीज़ा को हमने बिल्कुल शुरू किया था जब तो हमें कुछ नहीं पता नहीं था, और उसके बाद जो है ये सारे इक्विपमेंट्स हमने उनके लिए दिए, इसके ज़रिए से हम और आप जो है ABCD देख के पढ़ते हैं और अलीज़ा छू के पढ़ती है। उसी तरह से ये क ख घ, ये बिल्कुल इनिशियल स्टेज की चीज़ें हैं, बल्कि इससे भी इनिशियल स्टेज के लिए जो हम छोटे बच्चों को आप सिखाते हैं कि किस तरह से ABCD या हिंदी के अक्षरों का किस तरह आकार होता है, ये तमाम चीज़ें जो कॉग्निटिव अंडरस्टैंडिंग है, यानी कि अलीज़ा तो देख नहीं सकती तो उसको पता होना चाहिए अगर ए है तो ए दिखता कैसा है, तो ये सब अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है अलीज़ा के लिए हमने काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स खरीदे, और वो आज के दिन में जो है वो दूसरे बच्चों से भी ज़्यादा जानती है कि कौन अक्षर का आकार कैसा होता है। उसके लिए हमने लैपटॉप खरीदा और लैपटॉप दे करके जो है उसकी समझ जाइए कि ज़िंदगी बदल दी। लेकिन लैपटॉप के साथ परेशानी ये है कि लैपटॉप में लिख तो रही है, वो लैपटॉप बोल भी रहा है कि क्या लिखा जा रहा है, लेकिन अलीज़ा फील नहीं कर पा रही है कि वो दिखता कैसा है। फॉर एग्जाम्पल, तो ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए कि कोई चीज़ किस तरह है उसके लिए उसको छूना बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए जो है एक नई मशीन आई है ऐसे बच्चों के लिए, इसको जो है ऑर्बिट रीडर बोलते हैं। इस ऑर्बिट रीडर के थ्रू जो है जैसे आप जो है इसमें आप लिखेंगे तो ये जो है इसमें छू सकते हैं। देखिए जैसे आप ये छू सकते हैं कि जो है इसमें क्या लिखा है, तो इसमें लिखेंगे आप इसको छू सकते हैं, और फिर इससे जो है मेमोरी स्टिक है इसको लेकर के जो है आप अपने लैपटॉप में डाल दीजिए, तो उसमें वो फिर जो है आप भी पढ़ सकते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है। तो ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का फ़ायदा जो है हम बिहार के बच्चों को नहीं दे पा रहे, वजह है कि जो गरीबी रेखा से जो बच्चे नीचे हैं, जो फैमिली नीचे हैं, वो इनको अफोर्ड नहीं कर सकते। एक लैपटॉप आप खरीदने के लिए जाइए, आज कम से कम 40-50 हज़ार रुपये का एक लैपटॉप है। एक ये ऑर्बिट रीडर जो है इसकी कीमत 35-40 हज़ार रुपये है। फिर जो है उसका जो है अलग चीज़ है, ब्रेल स्लेट्स हैं या बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं। आज के दिन में अलीज़ा के बाद तकरीबन जो है 1 से 1.5 लाख रुपये का इक्विपमेंट, तब जा करके हम उसको एक मेनस्ट्रीम एजुकेशन में जोड़ पाए। ये खर्चा जो है एक आम फैमिली या एक गरीब फैमिली के जो लोग हैं वो अपने बच्चे को के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन ये रिक्वायरमेंट है। अगर सोसाइटी अगर सेंसिटिव नहीं होगी, हम सेंसिटिव नहीं होंगे, आप सेंसिटिव नहीं होंगे, तो ये बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, और ये बच्चे अगर नहीं पढ़ पाएंगे तो आप समझ रहे हैं, आज भी आप बिहार के स्टेशनों में जाइए आपको लोग भीख मांगते हुए मिलते हैं, अंधे लोग गाना गा करके जो है आपसे पैसे मांगते हैं। तो ऐसे बेशुमार बच्चे हैं आज के दिन, ये पिछले साल का डाटा मैं बता रहा हूँ, तकरीबन 400-500 विकलांग बच्चे सिर्फ किशनगंज में स्कूल में एडमिटेड हैं, जिसमें से 105 बच्चा 100% जो ब्लाइंड है वो स्कूल में एडमिट है, लेकिन स्कूल में उनका एडमिशन तो है। सरकारी स्कूल में मैं उधर नहीं जाना चाहता, लेकिन जाहिर सी बात है सरकारी स्कूल्स के अपनी लिमिटेशंस हैं, वो उन बच्चों को कितना पढ़ा पाते हैं, उनके पास रिसोर्स नहीं है, उनके पास ट्रेनिंग नहीं है, और हम अगर सरकार के भरोसे पर रह जाएंगे तो ये बच्चों की उम्र निकल जाएगी, ये बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। तो आइए हम और आप मिल करके इन बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम करते हैं, इनके लिए लैपटॉप लेते हैं, इनको ऑर्बिट रीडर देते हैं, इनको टेलर फ्रेम देते हैं, इनको और स्लेट्स देते हैं जो डिफरेंट चीज़ें इनकी ज़रूरत है, ताकि जो है हम ये कह पाएँ कि हम भी एक जिम्मेदार शहरी हैं और अपने गांव, अपने मोहल्ले, अपने शहर के उन लोगों को जिनको हमारी ज़रूरत है उनके मदद के लिए हम आ गया है। अभी जो गुड थिंग इज दैट के जो सक्षम है आज वो हमारा ट्रेनिंग पार्टनर है, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि उन्होंने कहा कि साहब आप उन बच्चों को वहाँ पे कलेक्ट कीजिए और जो भी ट्रेनिंग देना होगा उन बच्चों को हम ट्रेनिंग देने में आपकी मदद करेंगे। तो सक्षम के डायरेक्टर अभी हमारे साथ हैं। Hello, I am Dipendra Manocha, founder trustee Saksham, and we have been working for inclusion of persons with blindness in the mainstream society
including education, livelihood programs, and daily living, independent living activities. In Bihar, we are facing huge challenges because there is a very large percentage of persons with disabilities in Bihar, roughly about 2 million persons with disabilities there, with almost 10% of the population of India of persons with disabilities is actually coming from Bihar. And we have a huge challenge of that, the infrastructure required for their education, for inclusive education and quality education is actually not at the desirable levels in Bihar right now. Now to address this problem, we are actually tying up as Saksham with the Oxford International School and the Managing Director, Mr. Tafheem Emmer, who is also the founder of the Seed Foundation, to set up a section within the school which will actually help prepare children with blindness to be integrated into the mainstream program of the Oxford International School. Now this is the model which is a proven model. We have actually been partnering with several schools, quality education schools in various parts of the country, especially in Delhi and Noida and Delhi NCR region. And this is something that we would like to replicate in Bihar with this partnership. It's absolutely a proven model. We have had students who go through this kind of a program do not need any further rehabilitation or support activities after their education. In fact, they themselves support their families after their this kind of an intervention. So we really hope that a lot of people can join us in this endeavor and help us establish this model in Bihar also to address this problem. Thank you. सीड फाउंडेशन के ज़रिए हम लोग एक पिछले 5-6 सालों से एक स्कूल चला रहे हैं, बल्कि 7 सालों से ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों न जो है इस स्कूल के अंडर में ही एक हम लोग सेक्शन जो है एबल्ड सीड के नाम से बना लें, और इस एबल्ड सीड में हम बच्चों को लेके आएँ और यहाँ पर ट्रेन करें और उसको नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ाया जाए। तो हमने एक सेक्शन तैयार कर लिया है, अभी इसी महीने से कई बच्चों कई गार्जियंस हमारे रबते में हैं, तो बच्चे आना शुरू हो रहे हैं और ये बच्चे ट्रेन हो करके आई कैन अश्योर कि 2 साल में जो है ये जिस तरह से अलीजा नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ रही है वो बच्चे भी नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ेंगे। एक बहुत ही मशहूर कहावत है कि डोंट गिव फिश टू ए नीडी पर्सन, टीच हिम हाउ टू फिश। ऐसे लोगों को आप अगर आप सिखा देते हैं तो ये अपने पैर पर खड़े हो जाएंगे और अपनी ज़िंदगी डिग्निटी के साथ जी लेंगे। ऐसे लोगों को भीख मत दीजिए, इनको जो है डिग्निफाइड लाइफ दीजिए। यही हमारा और आपका कर्तव्य है। थैंक यू वेरी मच। अगर आप ऐसे बच्चों को की मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे स्कूल आ सकते हैं। अभी इन स्कूलों की ज़रूरत है, इन बच्चों को एसिमिलेट करने की ज़रूरत है और इसमें आपकी कोऑपरेशन है।